नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल फूड विद अमिता में आप सभी का स्वागत है। आजकल सभी की ये कंप्लेन रहती है कि खाना बनाना तो चाहते हैं पर टाइम नहीं है, और बनाने जाएं तो बहुत टाइम लगता है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जो सभी को पसंद है और 15 मिनट में बन जाएगी। वो है वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए पहले हम पानी बॉयल करेंगे। एक बर्तन लिया है जिसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है हमको जिससे पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो सके। उसमें हम नमक डालेंगे, दो चम्मच तेल डालेंगे। पानी बॉयल होने लगेगा तो हमें पास्ता डालना है। जब तक पास्ता बॉयल हो रहे हैं तब तक हम उसका सॉस तैयार कर लेते हैं। बटर लेंगे, करीब दो चम्मच बटर है। उसमें स्लाइस किए हुए अनियन डालेंगे। अनियन अच्छा भुनने के बाद हम उसमें कैप्सिकम डालेंगे। मैंने लाल और पीली कैप्सिकम ली है, आधा आधा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। बीच बीच में हम अपने पास्ते भी चलाते रहेंगे। दो चम्मच मैदा डालेंगे, उन्हें अच्छे से भून लेंगे। फिर हम एक कप दूध डालेंगे। धीरे धीरे करके दूध डालें जिससे गांठ ना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी या दूध हम मिक्स कर सकते हैं। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालना है। ब्लैक पेपर पाउडर है, आप टेस्ट के अनुसार डालिए। एक कप चीज़ डालेंगे, दो क्यूब्स को मैंने ग्रेट किया है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा सॉस रेडी है, पास्ता भी रेडी है। पानी से निकाल लेंगे हम उसे। स्ट्रेनर में छान लेते हैं और जो सॉस हमने रेडी किया है उसमें मिक्स कर देंगे। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता 15 मिनट में बनकर तैयार है। अपने मनपसंद हर्ब के साथ उसे सर्व करिए और बताइए कैसा लगा। तो देखा आपने, कितना आसान था और कितनी जल्दी बन गया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने कितनी जल्दी बनाया और कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय।